भी आईसीसी के बीसीसीआई हर बार आईसीसी के अगेंस्ट जाता है। जो भी वो अपने डिसीजन लेते हैं, जो भी उनके कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन होते हैं, वो बीसीसीआई खुद लेता है, क्योंकि उनका 110% ज़्यादा कह लें कि एक कॉमन प्लेयर उनके ज़्यादा आईसीसी में इंक्लूड हैं। इसमें मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है बहुत है, लेकिन उसको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, उनको मौका नहीं दिया जा रहा, जिसमें दोस्तियाँ वगैरह आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं और इस तरह के मामला पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से अब रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया है, रोहित शर्मा को नहीं बनाना चाहिए, विराट कोहली को बनाना चाहिए। क्रिकेट देखते हो जी? तो मेरा सवाल भी क्रिकेट से रिलेटेड है, पूछूं? जी जी, व्हाई नॉट। अच्छा मुझे ये बताओ कि आईसीसी ने 23 की ना क्रिकेट की जो टीम है ना वो अनाउंस कर दी है, उसमें जो है ना इंडिया के 6 बंदे शामिल हैं लेकिन पाकिस्तान का कोई भी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यह है कि बीसीसीआई हर कह लें कि कोई भी आईसीसी के बीसीसीआई हर बार आईसीसी के अगेंस्ट जाता है। जो भी वो अपने डिसीजन लेते हैं, जो भी उनके कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन होते हैं, वो बीसीसीआई खुद लेता है, क्योंकि उनका 110% ज़्यादा कह लें कि एक कॉमन प्लेयर उनके ज़्यादा आईसीसी में इंक्लूड हैं। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इस टाइम जो अब टीम बनी है, अब जो बनेगी, उसमें जो है ना रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया, तो आपको क्या लगता है कैप्टन बिल्कुल ठीक है या नहीं? नहीं, रोहित शर्मा ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा विराट कोहली ज़्यादा उससे ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है और वो ज़्यादा टीम को संभाल सकता है। विराट कोहली की ऐसी क्या क्वालिटी है? विराट कोहली की ये है कि वो टीम मैनेजमेंट अच्छे से जानता है कि हो टू अपनी टीम को कैसे लेकर चलना है और वन डाउन फर्स्ट डाउन किसको लेकर जाना है, उसको विराट कोहली को रोहित शर्मा की निस्बत ज़्यादा पता है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो? पाकिस्तान में बाबर आजम पहले ठीक थे, लेकिन अभी शाहीन अफरीदी हैं, वो भी ठीक हैं, लेकिन मेरा फेवरेट प्लेयर है फ़खर जमान। मैं चाह रहा हूँ कि फ़खर जमान को ओपन कैप्टन बनाया जाए, कैप्टन ना भी बनाया जाए, लेकिन उसको यह कि ओपन लाजम करवाया जाए, बाबर आजम के साथ करवा लिया जाए या रजवान के साथ करवा लिया जाए, फ़खर जमान को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए। तो आप अपना मैसेज दे दो कि फ़खर को पहले रखें। मेरा मैसेज ये है कि फ़खर जमान को ओपन करवाना चाहिए, फ़खर जमान और बाबर आजम को साथ रख लें, उसके बाद रिजवान को ले आएँ, इमाम अल हक का प्लीज़ निकाल दें टीम से। क्यों? क्योंकि वो कह लें कि टीम के परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है और वो अच्छे से कह लें कि ओपन कर भी नहीं सकता। अच्छा, अगर देखा जाए तो जैसे अगर 6 प्लेयर जो है वो इंडिया के शामिल है आईसीसी में, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के भी 6 बंदे शामिल होंगे अब आईसीसी में आने वाले में पाकिस्तान के हो सकते हैं, लेकिन यह है कि पहले बीसीसीआई कोई डिसीजन अपना लेना छोड़ेगा, फिर हम अपने इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई छोड़ रहा है, वही अपना ज़्यादा होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान को भी इशू फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, पीसीबी ने जो अपना टीम चेंज कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि अब हमें अपनी टीम से कोई उम्मीद लगानी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं लगाने चाहिए, हमारी टीम है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान हर बार जिंदाबाद है, लेकिन मसला यह है कि टीम को लेकर चलना चाहिए। शाहीन अफरीदी ने टीम कह लें कि अब वो संभाल रहे हैं, कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि शाहीन अफरीदी को होल्ड देना चाहिए कि टीम को कैसे चलाना चाहिए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। लास्ट पर क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी टीम को? मेरा लास्ट पे यही मैसेज है कि शाहीन अफरीदी को ओपनली छोड़ दिया जाए। ओपनली कहाँ, यहाँ छोड़ दिया? ओपनली ये है कि उनको डिसीजन लेने के लिए उनको ओपनली प्रॉपर कह लें कि टीम को मैनेजमेंट करने देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है किस तरह का डिसीजन ये है कि उनको शाहीन अफरीदी भी चाह रहे हैं कि फ़खर जमान को वो ओपन करवाएं, लेकिन पीछे से मोहम्मद हफीज़ हैं जो हमारे कह लें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनको चाहिए कि उनकी सपोर्ट की शाहीन अफरीदी की सपोर्ट करें, ताकि शाहीन अफरीदी फिर टीम को अपने हिसाब से लेकर चलें और पाकिस्तान को जिताएं हर मैच। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों पहले हमारे जो है टीम के बंदे हैं उनको पहले खुद इकट्ठा होना चाहिए वही ना, मोहम्मद हफीज़ कह लें कि हमारे डायरेक्टर हैं, वो अगर शाहीन अफरीदी को कहें कि ओपनली आप जिसको भी खिलाना है, वन डाउन खिलाना है, ओपन खिलाना है, वो उनको ओपनली छोड़ दें कि आप किसको खिलाना चाह रहे हैं, फिर वो खुद डिसीजन लेंगे तो फिर टीम सही से चलेगी। लास्ट मैसेज ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को खेलना चाहिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए कि पीछे मैच हार गए हैं, इंडिया से हार गए हैं, लेकिन यह कि अपनी परफॉर्मेंस दें और आगे निकलें। इसमें मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है बहुत है, लेकिन उसको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, उनको मौका नहीं दिया जा रहा, जिसमें दोस्तियाँ वगैरह आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं और इस तरह के मामला पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, तो इस वजह से जो मेन टैलेंट होता है वो बाहर नहीं आ पाता और वो परफॉर्म नहीं कर सकते, इस वजह से मुझे ये मसला है इसमें। अच्छा, जो टीम का जो कैप्टन बनाया गया है ना वो बनाया गया रोहित शर्मा का, तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा बिल्कुल सही कैप्टन है कि नहीं? जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस से लगता है वो अच्छा खेलते हैं, अभी उनकी टेस्ट क्रिकेट हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ, उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें उसका रन रेट भी बहुत अच्छा, उसमें 50 वगैरह सेंचुरी बनाई है, तो वो अच्छा कैप्टन है, सबको साथ लेके चलता है।
अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर इंडिया के 6 प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान का कोई भी नहीं खेल रहा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले मैचेस में आप कब देखते हैं कि पाकिस्तान के भी प्लेयर्स खेलेंगे? मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान अगर उनको सही मतलब लाया जाए उनको ऊपर क्रिकेटर को, तो वो ज़रूर पाकिस्तान के इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आगे जो रैंकिंग आएंगे उसमें ज़रूर पाकिस्तान के भी होंगे खिलाड़ी। तो सही मेन जो होते हैं उनको ऊपर लाना चाहिए क्रिकेटर को। अच्छा, अगर अब इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाए ओवरऑल जैसा वो खेल रहा है, तो आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी टीम को? यही दोनों के उनकी टीम बहुत मजबूत है और वो एक साथ लेके चलते हैं सभी को, और उन जो मेन टैलेंट होता है वो उनको साथ लेके चलते हैं, उनके साथ उनको मौका देते हैं, तो इसलिए उनकी टीम अच्छी लगती है और अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी भी। मैं तो यही कह गए माइंड योर फोकस, क्योंकि फोकस करेंगे तो आगे परफॉर्मेंस दिखा के तो ICC में जाएंगे क्रिकेट टीम में, क्योंकि जैसे देखा जाए कि इंडिया के 6 प्लेयर्स हैं खेलने के लिए, अब रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया है, रोहित शर्मा को नहीं बनाना चाहिए, विराट कोहली को बनाना चाहिए। आप क्या कहोगे भाई? जो कहा भाई ने भी सही कहा कि अच्छी परफॉर्मेंस उनको करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, तो फिर ही सब्र का फल मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो टीम बनी है ना उसमें रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि वो डिसीजन बिल्कुल ठीक है कि नहीं? वो ICC के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जो मेरे हिसाब से है वो तो विराट कोहली को बनाना चाहिए। अच्छा, विराट कोहली को क्यों बनाना चाहिए? वो गुड प्लेयर है, वो मैच विनिंग प्लेयर है वो। तो बाकी नहीं है? बाकी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ODI उसकी सेंचुरी है, उसने सचिन तेंदुलकर का भी उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा। 53 सेंचुरी करके, आप देखें वो नंबर 1 प्लेयर है वो। अच्छा, अगर अब देखा जाए तो जैसे ICC में इंडिया के 6 प्लेयर्स खेल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का कोई नहीं खेल रहा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले ईयर्स में के पाकिस्तान के भी 6 प्लेयर्स खेल पाएंगे या नहीं? खेल पाएंगे, क्यों नहीं खेल पाएंगे, फोकस करेंगे तो खेल पाएंगे, फोकस करेंगे तो खेल पाएंगे, ऐसे नहीं खेल पाएंगे। अच्छा। कि माइंड में जो बात होगी ना वही फोकस करा के आगे जाएंगे। अच्छा, PCB ने ना अब टीम भी चेंज कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि अब जो रीसेंट टीम है इनसे कोई उम्मीद लगानी चाहिए या नहीं? इनसे फोकस करेंगे तो आगे उम्मीद लगेगी, कि मैच विनिंग प्लेयर है सब। आपको क्या लगता है? फिलहाल हमने इन्हों का मैच भी नहीं देखा अभी कोई भी, तो देखेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, देखा ही नहीं है मैच अभी? नहीं देखा। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि इंडिया जिस तरह खेल रहा है, जिस तरह उसकी शानदार परफॉर्मेंस जा रही है, ठीक है, जा रही है ना? जा रही। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इन द एंड इंडिया के पूरी परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी टीम को? हमारी टीम को यही है कि प्रैक्टिस के दौरान आप अच्छी परफॉर्मेंस दें, अब जो आगे होगा तो वो देखी जाएगी, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्यों नहीं जी, इंशाल्लाह जीतेगा, क्यों नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद।